तो यार हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग सिम्युलेटर 16 के पार्ट 5 के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले अपनी गेम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे सेव गेम। तो भाई ये रहा अपना ट्रैक्टर जो हमने पिछले पार्ट के अंदर बाय किया था, बहुत बढ़िया था ये। और मैं देख रहा हूँ ऊपर एक मिशन आया हुआ है, उसे बाद में सेलेक्ट करते हैं। उससे पहले भाई अपने ये ट्रैक्टर हैं उनको काम पे लगा देते हैं। एक ट्रैक्टर ये ट्रॉली लेके खड़ा है, इसको भाई बड़े वाले को हम कल्टीवेटर के लिए लगा देते हैं। ट्रॉली यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। चल भाई तू कल्टीवेटर उठा। भाई इस पार्ट के अंदर हम कोशिश करेंगे वो बड़े वाले लैंड को बाय करने की। यहाँ पे अनफोल्ड करके इसे लगा देते हैं। चलो यार गलत ही लगा देते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा और क्या। और ये अपना हार्वेस्टर खड़ा है। हार्वेस्टर को तो भाई वो जो खेत है ना सामने वाला, वहाँ पे फसल जो है वो बड़ी होने वाली है, वहाँ पे खड़ा कर देते हैं जाके। हमारे पास सिर्फ $5,000 हैं तो बहुत ही कम है, बस इससे हेल्पर ही लगेंगे और कुछ नहीं। हम फर्टिलाइज़र टैंक को यार भर नहीं सकते क्योंकि तो बहुत कम है यार ये पैसे। ओके तो वो अपने कम हार्वेस्टर भी खड़ा हो गया है वहाँ पे। और अब क्या करते हैं, ये जो छोटा ट्रैक्टर है ना इससे भाई सोइंग करेंगे हम, देखते हैं ये सोइंग मशीन चला पाता है या नहीं। चला तो लेगा बट स्लो है भाई थोड़ा प्रोसेस इसका, देख लेते हैं एक बार। हाँ भाई चला तो ये लेगा बट काफ़ी ज़्यादा स्लो है, तो कुछ कर तो नहीं सकते। ऐसा करते हैं इसका वेट करते हैं। ओके एक मिशन आया हुआ है ऊपर। ओ भाई बहुत बढ़िया, एक हमें मिशन मिला है कि कॉर्न का ट्रेलर उठाना है और उसे छोड़ के आना है कहीं पे। तो ऐसा करते हैं इस वाले ट्रैक्टर को डी अटैच करते हैं, क्योंकि ये छोटे वाला ट्रैक्टर है इसे लेके जाते हैं, बड़े वाले को तो भाई काम करना है अभी बहुत। सोइंग मशीन को बंद करके यहीं पर छोड़ जाते हैं यार, ट्रेलर उठाना है उन्हें बस। अरे यार ये ट्रेलर तो अपने ही फार्म के अंदर है, वाह भाई वाह, हमारे फार्म से ही ट्रेलर उठाना है, इजी हो जाएगा अब। चलो भाई यहाँ पे ऑटो पायलट लगा देते हैं, सही जगह चले जाएगा ये ऑटो पायलट से। कहाँ जाना है इसे, इसे भाई स्टेशन पे जाना है, रेलवे स्टेशन पे। चलो ऐसा करते हैं, ये तो भाई इसने कंप्लीट कर लिया है अपना काम, तो ऐसा करते हैं इसको डीअटैच करते हैं और भाई सोइंग कंप्लीट करते हैं। तो कि जब तक ये अपने कल्टीवेट करेगा इसको ना, तब तक भाई यहाँ पे फसल उगनी जो है वो शुरू हो जाएगी, हमारा टाइम नहीं वेस्ट होगा ज़्यादा। यहाँ पे कर लेते हैं अटैच। चल भाई हो जा अटैच। पता नहीं यार मैंने चेक नहीं किया कि इसमें सीड्स हैं अभी। ओके भाई 72% सीड है, काफ़ी है यार, काफ़ी क्या ज़्यादा ही है। अभी इसको अलाइन करके लगा देते हैं यहाँ पे। चल भाई लग जा हेल्पर, लग गया। हाँ भाई लग गया। ये देखो भाई ये ज़्यादा जल्दी चलाता है भाई, वो तो बहुत स्लो चला पाता है ट्रैक्टर यार, उसका तो दम ही घुट जाता है। अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचा, ये आधा सफ़र ही इसने तय किया है अभी, वो सामने जाना है। ये भाई घूम घूम के जाएगा ऑटो पायलट इसका, तो इससे अच्छा हम खुद ही लेके चलते हैं इसे। इसकी भाई एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है बट पावर कम है थोड़ी, और टॉप स्पीड भी। यहाँ से शॉर्टकट मार लें। हाँ भाई यहाँ से शॉर्टकट मारते एकदम सीधा, परफेक्ट सीधा। ओ भाई ये वाला जो खेत है कितना बड़ा है, मेरे दो खेत के बराबर इसका साइज़ है। कौन सा खेत है भाई ये, भाई दो क्या तीन खेतों के बराबर है इसका साइज। ओ भाई बहुत महंगा, ये तो 18 लाख का है खेत भाई, इतना महंगा खेत, इतना महंगा तो मेरा पूरा फार्म होगा, सारे मेटल मिला के, सारे कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह ट्रैक्टर सभी कुछ मिला के भी नहीं इतना होगा भाई। इस काम को करने के लिए अपने पास 1 घंटा था,
फिर भी हमने कर लिया जल्दी, चलो अच्छा है, टाइम से पहले ही हमने कंप्लीट कर दिया। और जिन लोगों को नहीं पता भाई, मैं शाम को स्ट्रीमिंग करता हूँ, अगर स्ट्रीमिंग देखनी हो तो आ जाना। कितने मिले हमें पैसे भाई? $20,000 मिले हमें, क्योंकि $5,000 तो हमारे पास पहले से था, अभी 20,000 मिले हमें। भाई मैं ये क्या देख रहा हूँ, सामने एक शॉर्टकट है यार, वो सामने मेरा फार्म है, मैं देखता हूँ शॉर्टकट मार सकते हैं क्या हम। अगर तो मार सकते हैं भाई, ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए, देख लेते हैं अभी। भाई यही सेम ट्रैक्टर मैंने फार्मिंग सिमुलेटर 17 में भी यूज़ किया था, अगर आप भी डाउनलोड करना चाहते हो फार्मिंग सिमुलेटर 17 को, तो मैंने वीडियो बना दी है, देख लेना। उसकी उसकी भी यार सीरीज़ लेके आने की सोच रहा हूँ मैं। आप लोग कमेंट में बताओ कि आप लोगों को फार्मिंग सिमुलेटर 17 की सीरीज़ चाहिए या नहीं, जा सकते हैं मुझे लगता है। अरे भाई नहीं जा सकते यार, ऐसा क्यों, पानी के बीच में से लेके जाऊं? नहीं भाई नहीं लेके जा सकते, नहीं यार होना चाहिए था यार, लेके जाना चाहिए था यार, बहुत इजी हो जाता है यार यहाँ से जाना। अभी हमें घूम घूम के जाना पड़ता है, तो घूम के नहीं जाना पड़ता इन पहाड़ों की वजह से। चलो कोई बात नहीं, भाई एक तो रोड पे नहीं चलाते हम ट्रैक्टर, वैसे भी ट्रैक्टर ऑफ रोडिंग के लिए ही होता है, तो चला सकते हैं जहाँ पे मर्जी, इवन पेड़ों के बीच में से। चल भाई स्पीड पकड़ थोड़ी। ओके तो पहुँच चुके हैं हम अपने फार्म के अंदर, ये रहा अपना फार्म। भाई वो क्या हो रहा है? अरे यार मेरा जब से हेल्पर ऐसे ही पड़ा हुआ है, टाइम वेस्ट हो गया है यार बहुत ज़्यादा। ओके इसको रिवर्स करता हूँ यार, मैं अपने इक्विपमेंट जो होते हैं इनको दूर थोड़ा रखा करूँ यार, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं सोच रहा हूँ इन्हें गैरेज में ही रखूँ मैं, जैसे ये फर्टिलाइज़र स्प्रेयर है, इसको गैरेज यार ज़्यादा दूर हो जाएगा, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे रखूँ, बिल्कुल यहाँ पे दूर रखूँ, मतलब मेरा ये मतलब है कि इन्हें जितना हो सके उतना दूर रखूँ मैं इनको, ताकि यार प्रॉब्लम ना दे। अभी तक तो ये यार खेत हो जाता कंप्लीट, इसकी वजह से नहीं हुआ। ये कल्टीवेटर को हम यहीं पे कर देते हैं, क्योंकि तो अभी इससे ही काम करना है हमें इस वाले खेत के अंदर, और सोइंग मशीन को दोबारा लगा देते हैं यहाँ पे। एक सेकंड रुक जा भाई हेल्पर, थोड़ा लाइन करके लगाने दे, तो यहाँ पे लगा देते हैं हेल्पर, अब हो जाएगा जल्दी काम। और भाई इस ट्रैक्टर को लेके चलते हैं, और इससे हम फर्टिलाइजेशन करते हैं अपनी लैंड की, फर्टिलाइज़र छिड़कते हैं वहाँ पे। चलो भाई पहुंच गए हम लोग तो। कहाँ पे अपना फर्टिलाइजर टैंक? वो रहा दूर खड़ा कर दिया किया था ना मैंने। चल भाई कर ले अटैच, इसको लगाते थे यहाँ पे। कितना है? 41% है भाई, फर्टिलाइजर बहुत कम है अपने पास। और यहाँ पे इसने सोइंग जो है वो कंप्लीट कर ली है, अबे क्यों यहाँ पे छोड़ दिया, कर अटैच। मैं बार बार भूल जाता हूँ कि दूर लगाने हैं इक्विपमेंट यहाँ पे, ठीक है अभी वहाँ पे दूसरे वाले खेत के अंदर हम कल्टीवेटर चला देते हैं। चलो भाई यहाँ पे लगा देते हैं हेल्पर, देखते हैं हेल्पर कैसे काम करता है। हाँ ठीक है एकदम सही। अरे भाई इतना टाइम हो गया, ये फसल पकी नहीं अभी तक, ओ यार ये तो टाइम ही बहुत लेती है। ऐसा करता हूँ क्रेन कंबाइन हार्वेस्टर को दूसरी साइड खड़ा कर देता हूँ,
नहीं तो ये हेल्पर को डिस्टर्ब करेगी। अरे यार ये हेल्पर क्यों रुक गया? मैंने गलती से बटन दबा दिया था इसलिए। हाँ अभी ठीक है। वो देखो दोनों हमारे ट्रैक्टर काम कर रहे हैं अच्छी तरह से। भाई ये वाला लैंड बाय करना है इस पार्ट पे, हो जाएगा क्या? देखते हैं कितना होगा हमारा प्रॉफिट। भाई एक तो ये फसल नहीं ग्रो हो रही जल्दी, इतना टाइम। तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट जो है वो स्किप कर देता हूँ, जब ये फसल ग्रो हो जाएगी तब मैं कंटिन्यू कर दूंगा इसको काटना, मैं शुरू कर दूंगा उसके बाद भाई मैं प्ले कर दूंगा इस पार्ट को। तो चलो मिलते हैं टाइम लैप्स के बाद। टाइम लैप्स तो नहीं लगाने वाला, स्किप कर दूंगा डायरेक्टली। तो जो यहाँ तो दोस्तों यहाँ पे अपनी जो फसल है वो पक चुकी है, यहाँ पे लगा देते हैं हेल्पर। भाई बहुत टाइम ले लिया इसने, 10-15 मिनट ले लिए मुझे ऐसा लगता है। तो हमारी जो कल्टीवेटर है वो तो भाई उसने काम कर दिया है, तो इसको भाई डीअटैच करते हैं। और भाई ये सोइंग मशीन ट्रैक्टर बहुत स्लो चलाता है यार, मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस ट्रैक्टर को बेच दूँ, इसकी जगह भाई उस तरह का ट्रैक्टर ले लूँगी, ऐसा मैं सोच रहा हूँ भाई। क्योंकि भाई कोई फ़ायदा नहीं है यार, बहुत ज़्यादा स्लो है ये ट्रैक्टर, ये कर नहीं पाता काम, इतनी पावर नहीं है उसमें। मुझे पावरफुल चाहिए थोड़ा कि मतलब कर सके काम तेज़ जल्दी कर सके। एक सेकंड यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। हाँ भाई यहाँ पे पहले हेल्पर लगा देता हूँ, बाकी बाद में। ओके लग चुका है। तो देखते हैं यार कि कितने का है ये। भाई $40,000 का बिकेगा, और नया वाला भाई कितने का है? 1 लाख का, मतलब मुझे $60,000 चाहिए। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं फील्ड बाय करूँ या फिर ट्रैक्टर, मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा करते हैं, अगर इस पार्ट के अंदर भाई मैं सबसे पहले ये वाला सामने वाला खेत जो काट रहा हूँ इसकी फसल बेचूँगा, उसके बाद ये दोनों खेतों की, उसके बाद एंड में लास्ट में फिर इसको बेचूँगा इसकी जो फसल है। तो अगर तो मेरे पास $60,000 या उससे थोड़े से ज़्यादा हुए तो भाई मैं एक ट्रैक्टर बाय कर लूँगा। अगर अगर ये एक मिनट, ये खेत कितने का है? अगर ये 1,20,000 तक पहुँच गई, हमारा जो टारगेट है 1,20,000 तक पहुँच गया, तो भाई मैं फील्ड बाय कर लूँगा सीधा साहब है यार। क्योंकि तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ट्रैक्टर बाय करूँ या दूसरी अपना फील्ड बाय करूँ, तो इससे अच्छा भाई भगवान पे छोड़ दो जो है। यहाँ पे इसको हेल्पर को डेट है अपने ख़त्म करता हूँ और मैं खुद करता हूँ हार्वेस्टिंग यार, क्योंकि ये आपस में बजेंगे। ये देखो अबे पीछे हो जा, इतनी ज़िद। भाई मैंने तो उसे पूरा घुमा दिया, पता नहीं अब वो काम कर पाएगा या नहीं। वो भाई मैंने उसकी सारा बैलेंस ही बिगाड़ दिया, ये रोबोट है एक तरह से, तो पता नहीं ये कैसे अब ठीक करेगा, अलाइन कैसे हुआ। वो भाई हो गया यार, बहुत बढ़िया, मुझे लगा नहीं था कि मतलब मोबाइल की गेम है यार लिटरली, फिर भी ये सही हो गया। एक सेकंड हेडर तो ऑन कर ले भाई, ये हो गया अपना हेडर ऑन। चलो भाई एक तो इसमें कॉकपिट कैमरा नहीं है यार, नहीं तो अंदर से काट दे भाई। इसमें कॉकपिट कैमरा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बताओ, मोबाइल की गेम में। बट FS20 के अंदर है मेरे हिसाब से, पक्का नहीं मुझे पता, शायद है उसमें, इसमें तो भाई नहीं है। चलो भाई यहाँ से मुड़ते हैं दोबारा, अलाइन करके हेल्पर ही लगा देता हूँ, कितनी देर खुद काटूँगा मैं, और वो वाला ट्रैक्टर का काम ख़त्म होने वाला है। बट यार ये जो छोटा ट्रैक्टर है ये कंबाइन के साथ साथ देखो कर रहा है, काट रहा है, तो उसके हिसाब से ठीक तो है, मतलब जो कल्टीवेटर के काम तो आ ही सकता है ना। देखो ये भी उतनी स्पीड से काट रही है और वो भी उतनी स्पीड से कल्टीवेटर चला रहा है, तो उसके हिसाब से यार ठीक तो कर रहा है काम, मतलब स्लो है बट फास्ट होने का फ़ायदा नहीं है, तो कि मशीन स्लो है हमारी, हार्वेस्टर स्लो है। तो ऐसा करते हैं हम यार ये प्लॉट ही बाय करेंगे यार, क्योंकि तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है यार, बार बार ये टकराएगा हार्वेस्टर से।
इससे अच्छा है कि प्लॉट बाय करो, आगे जाके भाई हम हार्वेस्टर जब बाय कर लेंगे तब भाई देखा जाएगा, उसके बाद जाके ट्रैक्टर बाय करेंगे। और क्या पता मैं इन दोनों ट्रैक्टर को सेल कर दूँ, उसके बाद भाई मैं बड़ा वाला ट्रैक्टर ले लूँ। इससे बड़ा वाला मुझे लगता है 1,60,000 का है, फिर भी देख लेता हूँ। 1,60,000, हाँ भाई इतने का ही है ये, 1,60,000 सेम का है, सेम कंपनी। ये 90 हॉर्स पावर का है, ये 114, और ये 190 का है। बट इसके वहाँ 1,60,000 की जगह मैं यार ये केस एग्रीकल्चर वालों का कर लूँगा ना भाई, ये ज़्यादा बेटर है, ये 200 हॉर्स पावर का है, थोड़ा सा फ़र्क है प्राइस में। या फिर थोड़े से पैसे और डाल के मैं लैम्बोर्गिनी का ही बाई कर लूँगा यार, इसकी 50 की स्पीड है। और बाकी यार देखते हैं आगे जाके, अभी तो फ्यूल खर्ची नहीं करने वाले हम लोग। अबे ये देखो भाई, ओ भाई मेरी फसल ख़राब कर दी इसने। अबे यार मनहूस ट्रैक्टर यार, इसने मेरी सारी फसल ख़राब कर दी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार ये ऐसा भी कर सकता है। ओ भाई बहुत नुकसान कर दिया इसने, ये क्यों सिंबल दिखा रहा है। पता नहीं क्यों सिंबल दिखा रहा था यार, चलो छोड़ो अभी इस ट्रैक्टर को यार, रहने देते हैं यहाँ पे। और ये सोइंग मशीन है, इससे भाई नया जो फसल है वो उगा देते हैं यहाँ पे। उस ट्रैक्टर से भाई हम फर्टिलाइजेशन ही करते हैं यार, उसने सारी फसल ख़राब कर दी इस साइड से, और बहुत धीरे भी है। चल भाई होल्ड कर ले कल्टीवेटर, कल्टीवेटर यहीं पे खड़ा कर देता हूँ, तो क्योंकि कल्टीवेटर की अभी ज़रूरत पड़ने वाली है इसी खेत के अंदर। कहाँ पे अपना फर्टिलाइजर स्प्रेडर, वहाँ खड़ा है, दूर खड़ा है। चल भाई कर ला कनेक्ट, हो जा कनेक्ट। चल भाई हो गया, 17% फर्टिलाइज़र है बस, तो मुझे लगता नहीं कि पूरा खेत कवर हो पाएगा, जितना होएगा उतना ही ठीक है यार, क्योंकि तो बहुत महंगा है यार फर्टिलाइज़र। चलो भाई ये हो गया अपना फर्टिलाइज़र, लग गया हेल्पर, और उस साइड सोइंग भी हो रही है साथ साथ में, और यहाँ पे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग तो भाई अपनी कंप्लीट होने वाली है, कुछ ही टाइम लगेगा इसको और ये कंप्लीट हो जाएगी। उससे पहले भाई ये टैंक ही भर गया इसका। चल भाई हो जा बंद। अबे ये क्यों डी अटैच कर दिया हेडर। चलो भाई कंबाइन को ले जाते हैं ट्रॉली के पास। चल भाई कर दे अनलोड। चलो भाई ये हो गया अनलोड, अब जाते हैं बैक और दोबारा लगा देते हैं यहाँ पे हेल्पर। भाई उस खेत के अंदर तो फसल उगनी भी शुरू हो गई है, वो देखो छोटी है बट हो गई है। और ये पता नहीं 17% में कितना किया है इसने। चल भाई हो जा शुरू। फर्टिलाइजिंग तो ये फास्ट कर लेता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यार उससे प्रॉब्लम है कल्टीवेटर से। और ये इसने काम करने अब बंद कर दिया है। सोइंग मशीन को डी अटैच करते हैं और कल्टीवेटर अटैच करते हैं इससे। चल भाई आ जाओ, आगे से शुरू करता हूँ यार, नहीं यहीं से शुरू कर लेता हूँ यार, दूर क्यों जाना है अगर पास से काम बन रहा है तो। चलो कर लेते हैं अनफोल्ड और सीधा कर लेते हैं यार इसे, अपने सीधे ही मार देते हैं कल्टीवेटर। थोड़े से सीड्स ख़राब हो जाएंगे बट कोई बात नहीं, हमारी फसल भी तो ख़राब हुई है ना, इतने से कुछ नहीं होगा। हमारा हार्वेस्टर खड़ा है ऐसे ही, इसके अंदर थोड़ी सी है वीट, इसको अनलोड कर लेते हैं यार, और इसको वो वाले खेत के पास खड़ा कर लेते हैं, तो कि उसकी वो जो फसल है ना वो बड़ी होने वाली है। चलो भाई ये हो गया अनलोड,
भाई मुझे तो लगता है कि फर्टिलाइज़र की वजह से ये इतनी जल्दी उग रहे हैं। वो देखो कितनी जल्दी उग गया उस खेत के अंदर वीट। ये क्या हो रहा है इसे? अरे भाई ये अपने आप भरने जा रहा है फर्टिलाइज़र टैंक के अंदर। बहुत बढ़िया। बट यार मैं भरना नहीं चाहता यार, महंगा बहुत है, रहने दे यार। क्यों भरना? क्योंकि मुझे पता नहीं है ना अभी कि वो फर्टिलाइजिंग से भाई क्या होता है, मतलब हार्वेस्टर मतलब ज़्यादा पैसे मिलते हैं या फिर अकेली ग्रोथ बढ़ती है। अगर तो ग्रोथ बढ़ती है फिर तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे अच्छा मैं पहले रिसर्च कर लूँगा, उसके बाद ही इसे यूज़ करूँगा। और भाई ये देखो जो टायर मार्क्स होते हैं ट्रैक्टर के, उससे मैंने एकदम गोल सर्कल बना दिया। अब यहाँ पे बना देता हूँ एक ऑडी का सिंबल बना सकता हूँ मैं ऐसे। एक यहाँ पे, इस बार ज़्यादा दूर बना दिया मैंने यार, गलती से गलत बन गया थोड़ा सा। अरे भाई पहले वाला सर्कल तो मिट ही गया। ये देखो पता नहीं क्या बन गया, ये रबर बैंड सा पता नहीं क्या बना है, सन ग्लासेस बन चुके हैं पता नहीं क्या बना है। अबे यार क्या दिक्कत क्या है तेरी? तूने, ओ भाई ये पता नहीं आज क्या हो रहा है मेरे साथ। भाई इसने जहाँ पे सीड भी उगाए हुए हैं ना उसके ऊपर कल्टीवेटर चला दिया। बताओ यार, चलाना था इस साइड, चला दिया उस साइड। यार कितनी ज़्यादा वेस्टेज होगी इस पार्ट के अंदर, मुझे समझ नहीं लग रहा। ये कहाँ ट्रैक्टर? ओके ऐसा करते हैं यहाँ पे फर्टिलाइज़र टैंक को रख देते हैं, और भाई इससे जब तक सोइंग करते हैं, धीरे होगी बट होगी तो सही। जब तक वो कल्टीवेटर के साथ लगा हुआ है तब तक हम सोइंग कर लेते हैं। ओ भाई तू चाहता क्या है? अरे भाई कितना ज़्यादा इसने डैमेज कर दिया है सीड। अब फिर इस लाइन में आ गया जी। ओ भाई बहुत डैमेज कर दिया यार इसने तो, आधे आधे से ज़्यादा खेत मैंने सीडिंग की थी वो सारी ख़राब कर दी इसने। चल भाई अब मत करना। चल मैं ऐसा करता हूँ तेरे ऊपर निगाह रखता हूँ, स्विच ही नहीं करूँगा मैं कैमरा। जब भी स्विच करता हूँ ना ये कुछ ना कुछ कर देता है हेल्पर, पता नहीं क्या चाहिए इससे मुझे। अब देखता है इसे कैसे करेगा ये। अब नहीं किया इसने, बहुत खतरनाक बंदा है यार, बहुत लॉस करा दिया इसने मेरा। अब तक तो सारा काम हो जाता। चलो यार इस कल्टीवेटर को, ये देखो अभी भी बंद नहीं हो रहा था, काम करने के बाद भी बंद नहीं हो रहा था, ये दूसरी साइड जाने वाला था। चल भाई हो जा अटैच। यहाँ पे कर देते हैं डी अटैच, दूर ही है वैसे तो, साइड में है। चल भाई सोइंग मशीन अटैच करके फसल को उगाते हैं। भाई पता नहीं इस पार्ट के अंदर हम कुछ ले भी पाएंगे या नहीं, फिर भी देखते हैं। और हमें पता भी चल जाएगा कि कितनी इनकम आती है भाई हमारी इन तीनों खेतों से। यार मेरे सीड्स भी वेस्ट हो गए वो कल्टीवेटर की वजह से। चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। और ये फसल पता नहीं क्यों नहीं ग्रो हो रही है, इतना टाइम क्यों ले रही है, धीरे धीरे ग्रो हो रही है। यही भाई फार्मिंग सिमुलेटर 19 होता तो मैं टाइम को चेंज कर देता, मतलब चेंज नहीं फास्ट कर देता है, उससे भाई बहुत जल्दी हो जाता काम। तो ये यहाँ पे कर रहा है, तो ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट स्किप कर देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। जब वो वाली जो फसल है वो एकदम से काटने लायक हो जाएगी तब मैं प्ले कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं स्किप के बाद। तो दोस्तों आई एम बैक। तो यार अभी मैंने सारे खेत हार्वेस्ट कर लिए हैं और 60,000 हो चुके हैं जमा, और ये ट्रॉली के बीच में भी थोड़ी सी हार्वेस्ट है अपनी, तो इसे तो बेच आते हैं। एक सेकेंड, ये लगा दिया ऑटो पायलट। और भाई ये ट्रैक्टर ने बस यहाँ पे कल्टीवेशन की है, सोइंग अभी करनी है। उससे पहले भाई ऊपर ये वन आ रहा है, मैं देख लेता हूँ कौन सा मिशन है, क्या पता हमें एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए इससे।
ओके पिकअप, ट्रेलर पिकअप करना है कॉर्न का, उसके बाद भाई ये हो जाएगा मिशन। बट पहले मैं सोच रहा हूँ ये वाला जो खेत है ना इसको भाई मैं सोइंग कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा फिर। तो ये लगा दिया यहाँ पे सोइंग मशीन, चल भाई हो जा स्टार्ट। ओके अब लगाया ना मैंने हेल्पर। 13 मिनट है हमारे पास सिर्फ इस ट्रेलर को बीच के आने में, तो पहले तो इसे ऑटो पायलट वाले को बीच के आते हैं, उसके बाद वो ट्रेलर को ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ओके इसे तो यहाँ पे जाना था, नहीं भाई वहाँ पे है वैसे ट्रेलर दूसरे वाला, बट अभी हमको ये वाला ट्रांसपोर्ट करना है। चलो ये तो ऑटो पायलट लगा हुआ है, ये तो कर देगा अपने आप। तो ऐसा करें नहीं तो मशीन ले जाएं अपनी और साथ में इसे धो भी देंगे। देख लेते हैं कि कहाँ पे है भाई, बहुत दूर है मशीन, हार्वेस्टर से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा हमारा, तो इससे अच्छा हम ट्रैक्टर से ही चलते हैं। ऐसा करते हैं ये वाले ट्रैक्टर को भाई बंद कर देते हैं फ़िलहाल के लिए और इसे लेकर चलते हैं अपने मिशन के लिए, और देखते हैं 1,20,000 डॉलर इकट्ठे हो पाते हैं या नहीं इस पार्ट के अंदर। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि हो पाएंगे या नहीं, ऊपर देखो बढ़ रहे हैं। ओके इसने सेल कर दिया भाई 72,000 ही में अभी। ट्रैक्टर तो भाई नहीं बाय करने वाले हम लोग, क्योंकि हमारी पहली डिस्कशन हो चुकी है कि ट्रैक्टर नहीं बाय करेंगे। इसको धो लेते हैं ट्रैक्टर को, इस वाले को पहले, और इसमें पेट्रोल भी भर लेते हैं भाई, कितना कम था पेट्रोल। तो भाई हम वो जो लैंड है ना वो ही बाय करेंगे, क्योंकि भाई अभी ट्रैक्टर की इतनी ज़रूरत नहीं है, लैंड की ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाई यहाँ पे ये वॉश हो रहा है भाई, एक ही प्रॉब्लम है पैसे बहुत लगते हैं यार वॉश होने में। देखो कितने पैसे लग गए वॉश होने में, $500 लग जाते हैं मेरे हिसाब से, बट ट्रैक्टर चमक जाता है ये ज़रूर है। देखो भाई अब अच्छा लग रहा है ट्रैक्टर पहले से। ओके ये रहा अपना ट्रैक्टर, आगे से आ रहा है भाई, कितना ऑड लग रहा है। देखो भाई ऑटो पायलट अपना ट्रैक्टर है ये क्रॉप को बीच के आ रहा है। 82,000 डॉलर कहाँ से आ गए भाई, अभी तो 72 थे ना, ये कहाँ से आ गए पता नहीं यार। या मुझे ही गलत फहमी हुई। ओके पीछे था यार ट्रेलर, तो मैं बेकार में आगे आ गया थोड़ा सा बातों बातों में। भाई इस ट्रैक्टर की स्पीड बहुत अच्छी है, 33 की स्पीड। चलो भाई ये वाला ट्रेलर उठाना है यहाँ से भाई, अगले इस पार्ट में तो नहीं मुझे लगता है, बट अगले पार्ट के अंदर भाई हम इजीली एक नई लैंड परचेज कर लेंगे। कर तो इस पार्ट के अंदर भी सकते हैं, हल्की वाली छोटी बाय करनी पड़ेगी, बट इससे अच्छा भाई नई वाली बाय करेंगे न्यू फील्ड, और बड़ी वाली बाय करेंगे जो अपने पास है। अभी देखते हैं ये कहाँ तक जाएगी ट्रॉली। ओके ऑटो पायलट लग जाता है यार इसमें भी, तो ऐसा करते हैं ये ट्रैक्टर यहाँ पे आ चुका है, इससे भाई स्विंग करवा लेते हैं जब तक। ये कर दिया डी अटैच, तो भाई ये कर लेते हैं कनेक्ट अपनी स्विंग मशीन। चल भाई हो जा स्टार्ट। तो यहाँ पे लगा देते हैं हेल्पर, ये काम करता रहेगा अपना, और भाई ये यहाँ पे सेल करने जा रहा है, देखते कितने पैसे मिलते हैं। और भाई जब तक हम अपना मैप देख लेते हैं, तो भाई सबसे पहले हम ये वाली फील्ड बाय करने वाले हैं, 1,20,000 की है ये। इसका फ़ायदा ये है कि ये एक तो पास है और बड़ी है फील्ड। उसके बाद भाई हम बाय करेंगे ये वाली छोटी फील्ड्स, ये दो फील्ड है जो यहाँ पे है, थोड़ी दूर है बट कोई बात नहीं। ये 100, एक सेकंड कितने की है, एक भाई 1 लाख की है और दूसरी भाई 1,50,000 की है। तो भाई अगले पार्ट के अंदर इन दोनों, नहीं अगले पार्ट के अंदर नहीं मतलब आगे जाके हम ये दोनों बाय करेंगे। ओके देखते हैं कितने पैसे मिले हमको भाई, $20,000 मिल गया, मतलब अगले पार्ट के अंदर भाई इजीली हम ले सकेंगे। अभी देखते हैं इसने कहाँ तक काम किया। तो ऐसा करते हैं इस पार्ट को यहीं पर कर देते हैं एंड। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, याद से कर दिया करो यार, बहुत लोग नहीं करते। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, अगले वीडियो के अंदर भाई
कोशिश करेंगे बाय करने की। वैसे तो ये वाली जो सामने वाली फील्ड है बड़ी वाली, ये तो भाई इजीली अगले पार्ट के अंदर हम बाय कर लेंगे। और भाई मैं ढूंढ के रखूँगा कि फर्टिलाइज़र इस गेम के अंदर फास्ट करता है ग्रोथ प्लांट्स की या फिर हमारी जो इनकम है उसे भी बढ़ाता है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।